गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं भरत अवस्थी, भरत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ में हमारा मैट्रिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है और उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ाया जा रहा है, जो आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा क्लास ट्वेल्थ में मैंने डिफ्रेंसिएशन का नया टॉपिक आज से शुरू किया है। इस टॉपिक में इससे पहले डिफ्रेंसिबिलिटी और कंटिन्यूटी भी पढ़ाया जाता है, जिसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड है और फंक्शन के साथ पढ़ाए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन है, इसमें हम केवल डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे कि कैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। और इस टॉपिक में जितने भी सवाल है उनके लिए मैंने बहुत ही सरलतम तरीके से स्टेप्स बना के रखे हैं, और अगर आप प्रॉपरली स्टेप को फॉलो करते हैं तो बिना मेहनत के, जैसे कहता आसानी के साथ पढ़ना आपको आ जाएगा। और मैंने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा कि जैसे ये एक पिक्चर आई थी एनीबॉडी कैन डांस, ठीक है, उसी तरह हमारा स्लोगन होगा एनीबॉडी कैन सॉल्व मैथ, ठीक है। तो उसी अपने सिद्धांत को आगे ले चलते हुए हम अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन कहते हैं। अब बात आती है कि इसके बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि इसे जो डिफरेंशिएशन को सिंबल दिया जाता है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर जान लो कि डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी टी होगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, डी बाई डी वाई होगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। तो मैंने एक्स में ही क्यों लिखा, क्योंकि ये भी जान लीजिए कि जो हमें फंक्शन पढ़ाया जाएगा वो अधिकतर आपको फंक्शन जो मिलेंगे वो फंक्शन आप एक्स में पढ़ाए जाएंगे, तो हम लोगों को मुख्यतः डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ एक्स में पढ़ाया जाता है। वैसे फंक्शन के आधार पर डिफरेंशिएशन होता है, शर्त बस इतनी है कि डिफरेंशिएशन अपने ही फंक्शन में होता है। जैसे अगर फंक्शन एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी है और टी अलग में करने के लिए आगे रूल है जो उसी में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आता है कि किसका करेंगे, तो करेंगे किसका, फंक्शन का। फिर आता है प्रश्न उठता है कि फंक्शन क्या है, तो बताया गया फंक्शन क्या है, एक विशेष नियम या कानून से बंधा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कोई फार्मूला होगा जिसकी अपनी एक निश्चित आकृति, शक्ल या आकृति या ग्राफ होगा, ठीक है, ग्राफ होगा। अपने हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, तो वही बताया गया कि उसकी एक निश्चित शक्ल आकृति या ग्राफ होगा, जैसे आपके जो भी फंक्शन है। अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन जाने, तो टाइप ऑफ फंक्शन को पढ़ने के लिए आता है वर्ड आईलेट। क्या आता है, आईलेट। आई माने होता है इनवर्स त्रिगो फंक्शन, और एल माने होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए माने होता है एलजेब्रिक फंक्शन या हिंदी में बीजगणितीय फलन, टी माने होता है त्रिगो फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, ई माने होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आता है कि एक एक एग्जांपल सभी का देख लेते हैं। तो जिसे आई में आता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्लास ट्वेल्थ में है, इससे पहले फर्स्ट ईयर क्लास में नहीं है। तो इनवर्स फंक्शन आपके होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, ईटीसी, ठीक है। इनवर्स के बाद आता है लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन में आपका आता है जैसे लॉग एक्स टू द बेस सी, लॉग एक्स टू द बेस ए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन में आपका जैसे आया एक्स की पावर एन, एक्स स्क्वायर प्लस टू या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये सब एलजेब्रिक फंक्शन में आएगा। एलजेब्रिक के बाद आपका जैसे त्रिगो फंक्शन है, तो ट्रिगो फंक्शन में क्या आएगा, तो देख लेते हैं। ट्रिगो फंक्शन में आपका आएगा वही जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, साइन एक्स कॉस एक्स ईटीसी। अच्छा, फंक्शन सब हम एक्स में लिख रहे हैं क्योंकि हम फंक्शन आप एक्स का ही डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब आता है एक्सपोनेंशियल में, आपका आता है एक्सपोनेंशियल का मतलब जानो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जिसका एक्सपोनेंट वेरिएबल होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका आता है ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ईटीसी। यहां पर जान लो ये विशेष है ई की पावर एक्स, बाकी सब को ए की पावर एक्स में काउंट किया जाता है। ये भी आपका ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप सबके एग्जांपल जान गए। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जो मेरा पहला वीडियो डिफरेंशिएशन का है, ये वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए भी काम आएगा, फर्स्ट ईयर में भी डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन है। और जो नीट की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैथ वाले तो पढ़ेंगे ही, नीट की जो तैयारी करते हैं उनको भी बेसिक, जो फिजिक्स में नीट की तैयारी करते हैं तो उनको फिजिक्स में जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की, तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस उनको लिए इनवर्स फंक्शन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, वो भले ना पड़े, बाकी सबको जान सकते हैं,
तो हम फंक्शन के बारे में जान गए। अब एक बात आती कांस्टेंट के बारे में जान लो। पहली बात जानो कि कांस्टेंट को मुख्यतः यहाँ पर ए से दिखाया जाता है, और कांस्टेंट क्या होगा, कोई भी गिनती कांस्टेंट में काउंट होगी, और कोई भी अक्षर जो लेटर होगा वो भी क्या होगा कांस्टेंट में काउंट होगा, एक्स वाई जेड को छोड़ दिया जाएगा। क्यों एक्स इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि हमें जो सवाल मिलेंगे वो फंक्शन ऑफ एक्स में होंगे, ठीक है, इसलिए हम एफ एक्स तो फंक्शन ही होगा, और वाई इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वाई बराबर हम फंक्शन देते हैं इसलिए वाई छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी जेड का भी यूज किया जाता है तो एक्स वाई जेड को अवॉइड कर दिया जाता है, बाकी सारे वर्ड जैसे ए बी सी डी एफ जी ये सब आपके क्या होंगे कांस्टेंट में काउंट होंगे। वास्तविकता में तो जो सवाल आना चाहिए तो किताब वालों को खुद ही बताना चाहिए ये कांस्टेंट है, नहीं तो हम माने क्यों, लेकिन हाँ ये है कि ये अपने आप अंडरस्टूड कर लिया जाता है, नहीं तो उनको बताना चाहिए, कायदे से तो यही नियम है, लेकिन इतना कोई किताब में बताता नहीं, बच्चे अपने आप जान जाते हैं कांस्टेंट। हाँ, और बात कर लेते हैं कि अगर फिजिक्स में कांस्टेंट की बात हो तो फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन भी रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये भी आम सिचुएशन है, जैसे वहां ज्यादातर तो टी के रिस्पेक्ट में होता है या डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होता है, तीन ही ज्यादा आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कांस्टेंट तो आप पूरी लैंग्वेज से ही जान पाओगे कि वहां पर क्या कांस्टेंट, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे ज्यादातर मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इस तरीके की चीजें जो होंगी वो वहीं पर जानी जाएंगी, तो ये बात फिजिक्स के लिए हो गई। आइए अब आता है कि जैसे डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्लास ट्वेल्थ या फर्स्ट ईयर में आने वाला नया टॉपिक है, जब कोई नया टॉपिक आता है तो उसके तौर तरीकों को कायदे से पढ़ना होता है, और उन्हीं तौर तरीकों में रहोगे तो आपका काम होगा, जैसे कहा गया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो रूल फॉर डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो रूल फॉर डिफरेंशिएशन पहला रूल, अच्छा रूल को पढ़ने का तरीका ये नहीं होगा स्ट्रक्चर को पढ़े, आप उसको लैंग्वेज में पढ़े, कैसे लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, पहले रूल हो गया। दूसरा है कि अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन आता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, केवल फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट फेको रूल। क्या कह सकते हैं कांस्टेंट, शॉर्ट भाषा में हम उसका मतलब लिख लेंगे, एक इंटरेस्टिंग मतलब, तो ये हो गया कांस्टेंट फेको रूल। तो इसका नियम क्या है कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन गुणे में लगा होता है तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया जाता है, केवल फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन किया जाता है। तीसरा है नियम, ये एडिशन रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, इसमें कहा गया अगर दो फंक्शन, अगर दो हैं या तीन हो आपस में जुड़ या घट रहे हैं तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में रूल होगा सबका अलग अलग, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाए, ये शॉर्ट में मीनिंग निकाल दिया। फिर आता है ये मल्टीप्लाई रूल है, मल्टीप्लाई रूल में कहा गया कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो आपको एक बार में एक ही का करना है, एक बार में एक का करना तो फिर बाकी को क्या करना छोड़ देना है, तो जैसे मैंने पहली बार में पहले का किया तो दूसरे को छोड़ दिया, दूसरी बार में दूसरे का किया पहले को छोड़ दिया, फिर देखिए यहाँ पे प्लस लगा है तो मतलब चाहे ये पहले लिखो चाहे ये बाद में लिखो, ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बाकी करना एक बार में एक का, तो इसका जो एक सिंगल वर्डेड मतलब आता है वो क्या है एक बार में एक का, ये इसका सिंगल वर्डेड मीनिंग है। फिर आता है ये, हाँ इसका आपको भाई ऑर्डर जब भी माइनस होता है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये डिवाइड रूल है, डिवाइड रूल में आपको ऑर्डर याद करना है, तो डिवाइड में आपको पता होगा कि फ्रैक्शन होता है, डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में ऊपर होता है न्यूमरेटर नीचे होता है डिनोमिनेटर जिसे अंश व हर कहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैंने बताया डिफरेंशिएशन आप अगर आप फ्रैक्शन ले तो पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, इससे याद करना आसान हो जाता है, तो यहां पर ऑर्डर फिक्स है आप याद कर लीजिए, इन सबका एक वन वर्डेड मीनिंग याद कर लो। हाँ बात करके याद करना चाहिए डी डी बाई एफ एक्स एफ वन, ये याद करने से आपको समझ में नहीं आएगा, और रूल के बिना आप सवाल नहीं लगा सकते, रूल ही अप्लाई करने में दिक्कत होती है अगर जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है, अन्यथा तो काफी सरल है। हाँ एक बात और जान लेते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन तीन होंगे तो नियम यही लगेगा एक बार में एक का, कैसे करेंगे एक देख लेते हैं, तो जैसे अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तब हम कैसे करेंगे, तो एक बार में एक का, इसको अगर हम सिंपल वे में लिखे तो हम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा स्पेस बढ़ा के तीनों तीनों फंक्शन लिख लें, पहले हम डिफरेंशिएशन नहीं लगा, थोड़ा स्पेस बढ़ा के तीनों फंक्शन, बस थोड़ा स्पेस रखना क्योंकि डिफरेंशिएशन भी लगाना है, ये लिखा हमने तीन बार तीनों फंक्शन को लिख लिया, और मैंने कहा एक बार में एक का होगा
तो एक बार में एक का अब लगाते जाइए, पहली बार में पहले का, ठीक है, दूसरी बार में दूसरे का, बाकी दोनों छोड़ देंगे, तीसरी बार में तीसरे का। तो आप मल्टीप्लाई रूल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले सजा लीजिए जितने फंक्शन हो, तीन फंक्शन तीन बार सजेंगे, दो फंक्शन दो बार, फिर एक एक का करते चले जाइए, एक बार में एक का। समझ में आ गया? तो इस तरह आप लोगों ने रूल और फंक्शन के बारे में जो बेसिक जानकारी मैंने फंक्शन की आपको दे दी। अब हम इसके आगे फार्मूले और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो चलिए फिर अब हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो फार्मूले आते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर 17 फार्मूले टोटल आते हैं, 9 उधर लिखे हैं और 9 के बाद ये आपका 10वां फार्मूला है, ये 11वां फार्मूला है और ये 12वां फार्मूला है और ये 13वां है, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया और ये 17 हो गया। ये 17 फार्मूले हैं जो पांच जो फंक्शन की पांच कैटेगरी आईलेट बताई गई उन्हीं उन्हीं पर हैं। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है मतलब बीजगणितीय फलन, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों लॉगरिथम फंक्शन है। इसके बाद छह ये जो हैं साइन कॉस टेन कॉस टेक कोसेक, ये त्रिगो में काउंट होंगे और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काउंट होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंटर क्लास में। अब आते हैं इनके डिफरेंशिएशन से, और ये भी जान लीजिए इनकी सबकी प्रूविंग कराई जाती है जो आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपको पढ़ाया जाता है डिफरेंस फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डिफरेंशिएशन होता है उसके द्वारा, वो भी आपको लिमिट में पढ़ाया जाएगा, ये सब फंक्शन के साथ ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन होगा एन, देखो पहले का डिफरेंशिएशन था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसको सरल भाषा में पढ़ेंगे पावर आगे एक पावर कम, क्या पढ़ेंगे पावर आगे एक पावर कम, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स के बारे में खासियत यह है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं। अब आता है ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स को हम लिखते हैं ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। यहां पर ये जान लो ई की पावर एक्स विशेष है, वो एक्सपोनेंशियल सीरीज ही विशेष होती है, और बाकी ए की पावर एक्स में आपके सारे आएंगे, ए कॉन्स्टेंट है मतलब चाहे वो बी की पावर एक्स हो, चाहे वो सी की पावर एक्स हो, चाहे वो डी की पावर एक्स हो, चाहे वो दो की पावर एक्स हो, तीन की पावर एक्स हो, चार की पावर, ये सब ए की पावर एक्स में काउंट होगा। ई की पावर एक्स विशेष है, थोड़ा जरूर जाने, ये कंफ्यूज कर देता है क्योंकि खाली ई को मिला ए बी सी डी को नहीं मिला तो आप ये लगता है कि बुरा ना मान जाए लोग, तो ये जान लो कि बाकी सब ए में ई अलग है, वो एक एक्सपोनेंशियल सीरीज पाई जाती है कि वो अलग है, वो स्पेशल है इसीलिए, ठीक है। अब लॉग एक्स टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग के बारे में यहाँ लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन जब आएंगे तो वहां हम लॉग की जो प्रॉपर्टीज है उनको भी देखेंगे, अभी तो हम केवल फंक्शन जान लेते हैं। यहां भी बात वही, लॉग एक्स टू द बेस ई जो होता है इसका 1/x होता है, और लॉग एक्स टू द बेस ए का होता है 1/x लॉग ई टू द बेस ए, ठीक है। यहां भी जानो ये जो बेस ई है लॉग एक्स टू द बेस, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, और केमिस्ट्री बाकी भाषाओं में एल एन एक्स भी लिख दिया जाता है, ये नेचुरल लॉग है। अगर कभी आपको बेस ना लिखा मिले तब भी आप ई मानोगे, जैसे ये नहीं कहा गया कि जब जमीन किसी की नहीं होती तो जमीन किसकी होगी सरकार की, मतलब अगर बिना बेस के कभी लिखा मिले तो आप उसे ई बेस पर ही मानोगे, बाकी बेसिस लिखने चाहिए, नियम यही है। अब आता है ए बेस, ए बेस में वही बात आएगी कि ए बेस आपका कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहां पर बेस कुछ भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो कांस्टेंट होगा। हाँ शर्त वही है कि कुछ शर्तें हैं ए बेस होने की भी, तो वो आपको लॉग की प्रॉपर्टी में वैसा नहीं होगा, ऐसा तो कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। कुछ शर्तें लॉग बेस ए की होती है वो लॉग की प्रॉपर्टी में आती है, उनके बारे में लॉग में जान लेंगे, ठीक है। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, टैन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस इसका कॉस इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कॉट टेन इनवर्स का, ये कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स का क्या है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका क्या है माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन,
आपको लग रहा हो थोड़ा जल्दी बता दिया, तो जल्दी मैंने इसलिए बता दिया। आप बात करते हैं कि इनको याद कैसे किया जाए, थोड़े ज्यादा हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्री के हैं और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो पहले आप याद करिए को फैक्टर, क्या याद करिए, को फैक्टर। को फैक्टर से आपको यह पता चल जाएगा जिनके इन ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें सीओ आए, जैसे कॉस कॉट कोसेक, इसमें भी कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स। हाँ, तो को फैक्टर का नियम यह है कि जितने को फैक्टर होंगे उनका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, उनका डिफ्रेंशिएशन निगेटिव होगा। तो इससे हमारा निगेटिव वाली समस्या स्टार्ट। देखो जितने निगेटिव हैं सब सीओ लगा होगा, ये निगेटिव सीओ, ये लगा 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 सीओ। तो पहली बात जानेंगे कि को फैक्टर निगेटिव होगा। दूसरा एक बात आप याद रख लीजिए कि देखो आपको ये पता है कि एक बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की खासियत कि साइन और कॉस में काफी संबंध है, इसी तरह टैन और काट में काफी संबंध होता है, और काट और सेक और कोसेक में काफी संबंध होता है। इस बात को अगर हम याद कर ले तो फार्मूला याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप जानते हो, जैसे मैं पता है कि साइन का कास होता है तो आप कास का सोचो, जब यहाँ साइन की जगह कास है तो यहाँ कास की जगह साइन कर दो। जैसे टैन का सेक स्क्वायर होता है तो काट का, ये आप जानो टैन अगर काट में कन्वर्ट होगा तो सेक काहे में कन्वर्ट होगा, कोसेक में। तो टैन का सेक स्क्वायर हुआ तो काट का कोसेक स्क्वायर हो, माइनस तो मैं को फैक्टर से निकाल लूंगा और सेक को कोसेक में कन्वर्ट करते। तो आप जानिए कि ये कन्वर्जन भी ऐसे ही होता है, इससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा। सेक का याद करो, सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक को मैंने कन्वर्ट किया कोसेक में, तो ये कन्वर्ट हो गया कोसेक में, ये कन्वर्ट हो गया काट में। ठीक है, अब इनमें ऐसे याद करो कि आप एक याद करना, दूसरे में तो केवल माइनस लगना है, इसीलिए आपको याद ही नहीं करने। तीन याद करो, साइन इनवर्स टैन इनवर्स और सेक इनवर्स, और साइन का जो हो कोसेक में माइनस कॉस में माइनस लगा दो, टैन का हो वो काट में माइनस लगा दो, सेक का हो उसमें माइनस लगा दो, और माइनस के लिए तो कोफैक्टर का नियम पता है। तो इसमें तो आपको तीन याद करने, तीन अपने आप याद हो गए अगर कोफैक्टर का नियम आता है। इसमें आप इंटरचेंजिंग याद कर लो। तो इस विधि से हम 12 फार्मूलों पे तो कंट्रोल कर लेंगे, बाकी 5 फार्मूले आपको याद ही करने हैं। पहले फार्मूले को सरल भाषा में कहते हैं पावर आगे एक पावर कम, दूसरे का आप ये याद ही रखिए कि e की पावर एक्स ऐसा है जिसमें उसका डिफरेंशिएशन वही फंक्शन होता है। तो इस तरह हम लोगों ने चलिए फिर अब डिफरेंशिएशन के फार्मूले हो गए हैं, अब इनसे रिलेटेड अब डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। तो शुरुआत होगी रूल बेस्ड डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रूल, जो डिफरेंशिएशन रूल पर बेस्ड है। तो इससे इसको पढ़, ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर क्लास में ही आते हैं, इंटर में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनको पढ़कर हम ये है कि जब तक हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो रूल्स के बारे में हम अच्छी तरीके नहीं जाएंगे। तो पहले आता है कि पहले रूल पर बेस्ड क्वेश्चन हम एक देख लेते। तो पहला रूल क्या था कि अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जैसे क्वेश्चन आया कि 7 का डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, कहा गया डिफरेंशिएट 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सवाल करने का बेसिक तरीका ये होता कि वाई के बराबर सवाल को लिख लिया जाता है, इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अगर हम पढ़ेंगे वहां तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इधर लिख देंगे डीवाई बाई डी एक्स और इधर लिख देंगे डी 7 बाई डी एक्स। अब यहां पर हम जानते हैं अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कारण भी हम यहां पर लिख सकते हैं कि कांस्टेंट अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी आ सकता है, अब यहाँ पर 7 की जगह पर बी लिख दे तो बी भी आपका कांस्टेंट में ही काउंट होगा, बी की जगह हम डी लिख दे तब भी ये क्या होगा, यही होगा। इसकी जगह 100 लिख दे तब भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात पता हो गई, अगर हमें अकेला कांस्टेंट मिलेगा तो उसका डिफरेंशिएशन में जीरो ही करना है। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 था कि अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में फंक्शन आता है तो कांस्टेंट को फेंक देना है बाहर और केवल फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका क्वेश्चन आया, जैसे आ गया 3 इंटू रूट एक्स की पावर 3। तो देखो पहले ये जानो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसकी पहले शकल सुधारनी होगी। हम इसे एक्स की पावर एन, देखो हमें पढ़ाया गया एक्स की पावर एन, तो हम ऐसा जरूर बना लेंगे, पावर एन बना लेंगे। हाँ, एन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर लिख देंगे डिवाइड बाई टू एक्स, और यहाँ पे नियम लग जाएगा कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन का नियम क्या है, कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, केवल फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन किया जाएगा।
रूल को लगाने की प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस सी इंटू एफ एक्स बराबर क्या होगा, सी बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमने बताया था एक पावर कम कर दो। अच्छा ठीक, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9 by 2 और इसको अगर हम बताएं तो 3 by 2 को डेढ़ कहते हैं, डेढ़ में से एक जाएगा आधा बचता है, कितना बचता है आधा, 3 by 2 को डेढ़ जान लो, डेढ़ से आसानी रहता रुपीज का हिसाब किताब लग जाता ना, और 1 by 2 को हम शर्ड में रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये आ गया। तो ये आपका दूसरा रूल आ गया। दूसरे रूल में क्या कहा गया था कि अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया जाता है। अब आता है हमारा तीसरा रूल, तीसरे रूल में आएगा एडिशन रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तो उसको देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में अगर कोई सवाल आए, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया वाई बराबर 3 sin x माइनस 4 cos x और प्लस a log x टू द बेस a, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आया। तो इसमें देखो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, देखो अब एक बात और जान लो, एक साथ भी 2-3 रूल लग सकते हैं, लेकिन पहले कौन सा प्राथमिकता दी जाएगी, तो यहाँ पहले प्राथमिकता मिलेगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल की। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पहले दिख रहा है, रूल क्या है, तो मैंने बताया था अगर फंक्शन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सभी का डिफरेंशिएशन अलग होगा, सबका अलग अलग, मतलब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो डिवाइड बाय dx बराबर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x अपॉन dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 cos x अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a log x टू द बेस a dx। अब यहां पर आते हैं तो हमारा दूसरे नंबर का रूल जो है कि कांस्टेंट के साथ जब फंक्शन होता है तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया जाता है। तो कांस्टेंट फेंकना शुरू करते हैं तो यहां पर आ जाएगा साइन एक्स डीएक्स, यहां जाएगा 4 बाहर फेंक देंगे, यहां जाएगा कॉस एक्स डीएक्स और यहां पर हम ए को बाहर फेंक देंगे, कांस्टेंट बाहर फेंक दिया जाता है फंक्शन के साथ। अब फिर तो अगर तुम्हें फिर यहां के बाद तो बस टेबल देखनी है, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन और लॉग एक्स टू द बेस ए का होता है 1 by x log e to the base a। चलिए भाई लिखिए, तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और इसका हो जाएगा 1 by x log e to the base a। और मैं फिर कहता हूं जब तक आपको फार्मूले ना याद हो, डिफरेंशिएशन करते समय ही ब्रैकेट में सारे फार्मूले लिखे, आप बार बार लिखेंगे धीरे धीरे आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। तो ये 4 sin x हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा a by x log e to the base a, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी रूल जान जाते हैं, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं हम लोगों को मल्टीप्लाई रूल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने। हाँ एक एडिशन का और देख लो, मान लो अगर यहाँ पर कुछ कोई नंबर ही देते, जैसे हम यहाँ पर b दे, तो क्या होगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक साथ 2-3 रूल भी लग सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ ये, लेकिन रूल पहले लगाना है, फार्मूला लगाने से बिफोर रूल लग जाते हैं। जब तक आप रूल से पहले पूरा सजाओगे अंत में फार्मूला मिलेगा आपको, डिक्टो मिलता है, डिफरेंस आसान है, बस रूल को थोड़ा अरेंजमेंट देखना होता है। और जैसे अगर हम यहाँ पे बी ले लेंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन आप बी लिखोगे और ये क्या नियम है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। तो देखो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो पहला रूल लग गया, ये पहला रूल भी लग गया और यहाँ पर देखो दूसरा कांस्टेंट फेंकने वाला भी रूल लग गया, एडिशन वाला रूल तो लग ही रहा था। तो एक साथ 3-4 रूल भी